हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अब फ्रेश वाटर मसल्स यानी योनियो या फिर लैमेलिडेंस के बारे में। इसे स्वच्छ जलीय सीपी या फ्रेश वाटर मसल भी कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। योनियो या लैमेलिडेंस जो है वो बाइवॉल्विया का सदस्य है। मोलस्का संघ के अंदर बाइवॉल्विया आते हैं या पैलेसिपोडा आते हैं, उनका सदस्य है, यानी इसका क्लास है बाइवॉल्विया। और इनके अंदर बाइवॉल्विया क्यों कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनके अंदर बाइवॉल्व शेल पाया जाता है, यानी दो वॉल्व वाला शेल पाया जाता है इनके अंदर। और इनका जो पैर होता है वो कुल्हाड़ी के समान होता है। इसके अंदर जितने भी मसल्स हैं, क्लैम्स हैं, ऑयस्टर्स हैं, स्कैलप्स हैं, वो सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये जीव जो हैं मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों ही तरह के एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। यूनियो की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो यूनियो जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। और बेसिकली ये झीलों के, नदियों के जो तले की मिट्टी होती है उसके अपर लेयर्स के अंदर जो है छिपा रहता है। ये थोड़ा सा मिट्टी के अंदर धंसा होता है, थोड़ा सा इसका शरीर जो है वो मिट्टी से बाहर निकला हुआ रहता है, और थोड़ा सा इसका शंख या जो कवच होता है वो खुला हुआ होता है जिसमें से पानी अंदर जा सके। अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। यूनियो जो है वो एनिमल किंगडम के अंदर आता है। इसका फाइलम है मोलस्का। क्लास है बाइवाल्विया, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, दो वॉल्व या दो शेल पाए जाते हैं इसके अंदर। ऑर्डर है इसका यूनियोनिडा, और जीनस है इसका यूनियो। और ये जो हमने पहले ही कहा कि फ्रेश वाटर एनवायरमेंट के अंदर पाया जाता है, तो वहाँ पे पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं और छोटे जंतु होते हैं दोनों को ही ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म के द्वारा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की खास तौर पे, तो बाहर से देखने पर हमें जो यूनियो है वो कुछ इस तरीके का शेल ही नज़र आ रहा होता है हमें बाहर। ऊपर और नीचे दोनों तरफ पे इस तरह का शेल ही होता है जो कि ब्लैक ब्राउन से कलर का होता है, वाइट और ब्लैक ब्राउन कलर का उसके ऊपर होता है, जिसमें धारियाँ पाई जाती हैं। शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, और पूरा जो शरीर होता है इन दोनों कवचों के बीच में पूरी तरह से बंद रहता है। ये कवच इसका एक्सोस्केलेटन ही है, इसका बाह्य कंकाल ही है, जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। कवच जो होते हैं दोनों साइड के जो कवच होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं, और इन कवच को आपस में जोड़ने के लिए इनकी इंटरनल साइड्स के ऊपर जो है वो जॉइंट मसल्स के अटैचमेंट के लिए स्कार्स पाए जाते हैं। इस तरह से मसल्स होती हैं। एक ये बड़ी मसल है, ये पोस्टीरियर एडक्टर मसल का है, और ये रिट्रैक्टर मसल का, और ये जो है एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल, और ये है एंटीरियर एडक्टर मसल का जो स्कार है, और ये छोटा सा जो है उसके ऊपर है वो एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल है। इनके बारे में भी एक एक करके हम बात करते हैं। अब जो दोनों कपाट होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं, यानी ऊपर और नीचे का जो कपाट होता है, जो शेल होता है, वो एक जैसा दिखता है। हम बाहर से देखने पर ऊपर नीचे सतह नहीं इतना आसानी से देख पाते हैं, समझ पाते हैं दोनों को, कि बिल्कुल समान होते हैं। और जो ऊपर का हिस्सा होता है, इसमें एक उभारा हुआ हिस्सा, यानी जो शेल होता है इसका एक हिस्सा काफ़ी ऊँचा उठा हुआ होता है, उस हिस्से को हम नाम देते हैं अम्बू। ये हिस्सा होता है, इसको अम्बू कहते हैं। ये देखा जाए तो शेल का या कवच का सबसे पुराना भाग, इस पूरे कवच के ऊपर हमें सकेंद्रित रेखाएं या फिर कंसेंट्रिक लाइंस नज़र आती हैं, जिन्हें लाइंस ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। तो ये हिस्सा सबसे पुराना है, और ये आगे वाला हिस्सा जो है वो शेल का कंपैरेटिवली नया हिस्सा होगा। अब ये जो कवच होते हैं दोनों आपस में जुड़कर बंद रहते हैं, और इसको बंद रखने के लिए जो मसल्स होती हैं वो तीन तरह की जो मसल्स होती हैं वो पाई जाती हैं, जो शेल के इंटरनल साइड्स के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं। तीन तरह की मसल्स होती हैं, अपाकुंचक या फिर प्रोट्रैक्टर मसल। यहाँ आ गया इसके अंदर प्रोट्रैक्टर मसल, अपाकुंचक कहते हैं इसे। दूसरी होती है आकुंचक, इसे हम कहते हैं रिट्रैक्टर मसल। एक ये रिट्रैक्टर मसल ये है, और दूसरी रिट्रैक्टर मसल ये है, और तीसरी होती है अडक्टर मसल्स, एक और दो मसल, यानी दो अडक्टर मसल्स हैं एंटीरियर पोस्टीरियर, दो रिट्रैक्टर मसल्स हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, और एक है प्रोट्रैक्टर मसल्स। अब इनका काम क्या होता है, जो
जो एडक्टर मसल्स होती हैं, यानी जो यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड के ऊपर एडक्टर मसल्स पाई जाती हैं, अभिवर्तनी पेशियाँ जिन्हें हम कहते हैं, ये पेशियाँ जब तो ढीली होती हैं तो कपाट यानी दोनों कपाट जो है वो खुल जाते हैं, और जब ये तन जाती हैं या कस जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं। यानी शेल को खोलने और बंद करने का काम जो है वो एडक्टर मसल्स करती हैं। मसल्स लूज हैं तो शेल खुल जाएगा, मसल्स टाइट हैं तो शेल जो है वो बंद हो जाएगा। फिर आता है प्रोट्रैक्टर मसल। प्रोट्रैक्टर मसल जो फुट होता है इस एनिमल का, उसको शेल से बाहर निकाल के मिट्टी में धंसाने का काम करता है। यानी फुट को बाहर निकालने का काम प्रोट्रैक्टर मसल करेगा, जबकि फुट को वापस शेल के अंदर खींचने का काम जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स करती हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर इसका मेंटल या फिर प्रवार। इसके ऊपर इसके अंदर यानी जीव के अंदर दो मांसल पालियों के रूप में प्रवार पाया जाता है, जो कि ऊपर और नीचे वाले कवच से जुड़ा रहता है और शरीर को बाहर की तरफ से ढकने का, कंबल की तरह ढकने का काम करता है। साथ ही ये प्रवार जो है वो बहिर्वाही साइफन और अंतर्वाही साइफन का निर्माण भी करता है, जो कि पानी को शरीर में प्रवेश करवाने वो बाहर निकालने का काम करेगा। फिर आता है विसरल हम या विसरल मास। ये पूरा का पूरा जो एरिया है जिसके अंदर की सारे के सारे जो शरीर के ऑर्गन्स जो हैं वो बंद होते हैं, उसको हम विसरल हम कहते हैं, जिसके अंदर इस जीव का आहार नाल, जनन ग्रंथियाँ, पाचन ग्रंथियाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सभी जो ऑर्गन्स हैं वो इसके विसरल हम्प के अंदर पाए जाते हैं। फिर इसके अंदर पाया जाता है फुट। ये इसका फुट है यहाँ पे डायग्राम के अंदर। ये बड़ा और पेशीय होता है और चलने के लिए मदद करता है। ये बाइलेटरली कंप्रेस्ड होता है, यानी दोनों साइडों से कंप्रेस्ड रहता है। इसके अलावा लेबियल पाल्प्स पाए जाते हैं इसके अंदर, जो इसके मुख को घेरे हुए रखते हैं। सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं और बॉडी कैविटी जो होती है वो हीमोसील प्रकार की पाई जाती है। तो हम क्या देख पा रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर में, मेन क्या क्या चीज़ें हैं। मेन तो आता है शेल आता है इसका। शेल की इंटरनल जो हमने बात की कि सबसे ऊंचे वाला भाग जो है अंबो कहलाता है, ये शेल का सबसे पुराना भाग है और बाहर की तरफ ग्रोथ लाइन्स नज़र आ रही हैं हमें। इंटरनल साइड्स पर मसल्स को जोड़ने के लिए या मसल्स के जुड़ने के लिए स्कार्स पाए जाते हैं। दो प्रोटेक्टर, एक प्रोटेक्टर मसल का जॉइनिंग पॉइंट है, दो एडक्टर मसल्स के लिए और एक रिट्रैक्टर मसल के लिए। प्रोट्रैक्टर मसल फुट को बाहर निकालने का काम करती है, जबकि रिट्रैक्टर मसल शेल के अंदर फुट को खींचने का काम करता है। जबकि एंटीरियर और पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स जो होती हैं वो शेल को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। जो विसरल मास होता है इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे विसरल हम्प के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम इसी हम्प के अंदर आ जाते हैं। फुट जो होता है वो काफ़ी मस्कुलर होता है, बाइलेटरली कंप्रेस्ड होता है। इसके अलावा गिल्स नज़र आ रहे हैं हमें, आप बड़े साइज़ में आप यहाँ देख पा रहे हैं, बड़े साइज़ के हमें गिल्स नज़र आते हैं जिन्हें हम टिनिडिया कहते हैं। ये भी मेंट्रल कैविटी के अंदर लटके हुए ही पाए जाते हैं। और इसके अलावा मसल्स पाई जाती हैं। ये जो स्कार्स नज़र आ रहे हैं, ये मसल्स की जॉइनिंग के स्कार्स हैं। ये एंटीरियर एडक्टर मसल के लिए जॉइंट नज़र आ रहा है, ये पोस्टीरियर के लिए, ये है प्रोट्रैक्टर मसल का, और ये एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल का, और ये पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल का। बाकी यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है, इस जगह पर इसकी किडनी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे इसका रेक्टम है, वेंट्रिकल नज़र आ रहा है, यानी आपको सारे के सारे ऑर्गन जो हैं वो इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, जो कि इसके विसरल हम्प में या विसरल मास के अंदर पाए जाते हैं। तो ये है यूनियो का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने उसके क्लासिफिकेशन, उसके हैबिटेट, उसके एक्सटर्नल फीचर्स और इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, उसकी लोकेशन क्या होती है, उसके बारे में बात की है।